हेलो एवरीवन, टेस्टी कोर्ट विद उत्कर्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं उत्कर्षा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं बीटरूट और पोटैटो की लॉलीपॉप की रेसिपी। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बात बता देती हूं कि अभी कोरोना वायरस की वजह से हम सभी काफी डरे हुए हैं, लेकिन डरना नहीं है, हिम्मत से काम लेना है हमें और इससे फाइट करनी है। तो इसके लिए हमें बस यही है कि हम सभी अभी जो भी हमें बताया जा रहा है, जो भी प्रिकॉशन लेनी है, जो भी सेफ्टी लेनी है, उस चीज को हम कंटिन्यू रखें, उस चीज को ध्यान में रखें और उस चीज को फॉलो करें तो हम कोरोना वायरस से बचे रहेंगे। और बस ये वायरस की वजह से अभी छुट्टियां चल रही है बच्चों की, तो बच्चों को छोटी छोटी भूख तो लगती ही है, तो अब उनके भूख के लिए हम बार बार सेम चीज देते रहे तो वो बच्चे बोर हो जाते हैं। तो चलिए अभी हम बनाते हैं बीटरूट और पोटैटो से बनी एक लॉलीपॉप की रेसिपी। बीटरूट बच्चे खाते नहीं है, पसंद नहीं करते खाना। बीटरूट कैसे खिलाएं वो भी आप इस तरीके से अगर आप लॉलीपॉप बनाकर देते हैं तो ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि ये बीटरूट से बनी है, क्योंकि काफी टेस्टी होती है और बहुत ही पसंद आएगी बच्चों को। काफी क्रिस्पी होगी बाहर से और अंदर से सॉफ्ट होगी, क्योंकि हमने बीटरूट और पोटैटो से ये रेसिपी बनाई है। ये करती हूँ भगवान से कि आप सभी कोरोना वायरस से बचे रहें, हेल्दी रहें, हैप्पी रहें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम ले लेंगे चुकंदर यानी बीटरूट, उसे हम ग्रेट करके इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पर एक बीटरूट मैंने लिया है और उसे मैंने ग्रेट कर लिया है। 3 उबले हुए आलू लिया है जिसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। और साथ ही अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज, बारीक कटी हुई हरी धनिया और ये अदरक लिया है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। और इन सभी चीज़ों को हम इसमें मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक आप डाल दें। और चाट मसाला डाल देंगे 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर डाल देंगे 1/4 टीस्पून, गरम मसाला हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून और किचन किंग भी हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून। किचन किंग डालने से बहुत ही अच्छी टेस्ट आएंगी इसकी। किचन किंग मसाला बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगी। और साथ ही हम डाल देंगे इसमें ब्रेड क्रम्स, 2 बड़े चम्मच मैंने ब्रेड क्रम्स डाला है। और इन सभी चीज़ों को अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी मिक्सचर जो है वो रेडी हो गई है। अब हम यहाँ पे 2 बड़े चम्मच मैदा ले लेंगे और उसमें थोड़ी सी पानी डालकर इसका स्लरी तैयार करेंगे। खूब ही अच्छे से इसे मिला लेंगे हम। और अब मैं इसकी कंसिस्टेंसी आपको दिखा देती हूँ। बस ऐसी होनी चाहिए, बहुत पतली नहीं हमें करनी है, बहुत मोटी भी नहीं। और ये ब्रेड क्रम्स लिया है मैंने। ब्रेड क्रम्स की रेसिपी मेरे चैनल पर दी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं और इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दी है। अब हम दोनों हाथों पर अच्छे से ग्रीस कर लेंगे, तेल से हम ग्रीस कर लेंगे और उसके बाद इसके बॉल्स बना लेंगे। छोटे छोटे बॉल्स हम इससे बनाएंगे। हाथों को पहले एक बार ऑयल से आप ग्रीस कर ले तो इजीली आप इसके बॉल्स बना सकते हैं, ये चिपकेंगे नहीं हाथों में। तो यहाँ पर मैंने बॉल्स बना लिए हैं। और अब हम एक बॉल लेंगे और उसे स्लरी में डालेंगे, जो मैदे का घोल हमने तैयार किया था उसमें डाल देंगे। और उसके बाद इसे हम ब्रेड क्रम्स पे डालेंगे, अच्छे से स्लरी इसके ऊपर डालकर उसके बाद इसमें हम ब्रेड क्रम्स पे डाल देंगे। इसे ब्रेड क्रम्स जो है इसके चारों ओर अच्छे से लग जाएंगी, इससे काफ़ी क्रिस्पी बनेंगी, बहुत ही टेस्टी लगती है ये रेसिपी। एक बार आप बच्चों को बना कर दें, सेकेंड टाइम बच्चे खुद ही डिमांड करेंगे, बहुत टेस्टी लगती है ये। बड़ों को भी बहुत पसंद आती है और काफ़ी हेल्दी है क्योंकि इसमें बीटरूट है। तो सेम प्रोसेस से हम बाकी सारे बॉल्स इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। बस ये देखिए, ये इस तरीके से हम बना लेंगे। तो ये बॉल्स हमने इस तरीके से रेडी कर लिया है। अब हम इसे फ्रीज में 15 मिनट के लिए रख देंगे और उसके बाद ही इसे फ्राई करेंगे। और अब हम 15 मिनट के बाद बॉल्स को निकाल लेंगे और उसके बाद जब अच्छे से तेल गर्म हो जाए तब उसमें हम फ्राई कर लेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करें और उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसे हम पलटेंगे और उलट पलट करते हुए अच्छे से हमें गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेनी है। सभी साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाए इतनी हमें फ्राई करनी है और लो मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करें।
तो ये देखिए अच्छे से गोल्डन कलर आ चुकी है, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। काफ़ी क्रिस्पी बनी है, बहुत ही अच्छी लगती है, अंदर से काफ़ी सॉफ्ट है और ऊपर से क्रिस्पी है, कुरकुरी है, बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरीके से हम बाकी और भी बॉल्स को फ्राई कर लेंगे। तो ये हमारी बीट रूट बॉल्स बनकर रेडी है, बहुत ही अच्छी लगती है और इस तरीके से हम सर्व करेंगे। ऊपर से टूथपिक लगा देंगे ताकि ये लॉलीपॉप के जैसे लगे। तो बस मनपसंद केचप के साथ या फिर चटनी के साथ इसे सर्व करें, बच्चों को दें, बहुत टेस्टी लगती है, बच्चों को बहुत पसंद आएगी और सेकेंड टाइम बच्चे खुद ही इसकी डिमांड करेंगे। तो बनाइए मेरी रेसिपी, पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलती हूँ फिर नेक्स्ट रेसिपी में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।